हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की सुबह सुबह की 25 बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानने के विस्तार से हरियाणा की ताज़ा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में। आपको बता दें, यहाँ पर आपको हरियाणा की ताज़ा खबरें रोज़ाना मिलती हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको सुबह सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप सभी लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एक बार फिर लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली सबसे बड़ी खबर से। तो जी हाँ, आपको बता दें, सबसे पहले हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 794 कोरोना के केसेस मिले हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 31,332 पर पहुंच गया है। वहीं राहत की बात यह है कि हरियाणा में 730 कोरोना से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 24,384 पर पहुँच गया है। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में 3 लोगों की आज कोरोना से मौत हुई है। वहीं मौतों का आंकड़ा हरियाणा में 392 पर पहुंच गया है। और एक्टिव केसेस की बात करें, हरियाणा में 6,556 पर पहुंच गया है। तो जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। और आपको बता दें, किसानों की इच्छा के बिना नहीं होगा फसलों का बीमा, हरियाणा सरकार का है बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता रहे, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत फसलों का बीमा करवाना अब पूरी तरह से किसानों की इच्छा पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने बाकायदा एक अधिसूचना भी जारी करके किसानों की सुविधा के लिए इस योजना को पूर्णतः स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC धारक किसान भी अंतिम तिथि से 7 दिन पहले अपने बैंक में स्वयं घोषणा पत्र देकर फसल बीमा न करवाने की सूचना भी दे सकता है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें, हरियाणा में रिहायशी क्षेत्र से हटाई जाएंगी हाई टेंशन लाइन, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने मिलकर रिहायशी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रही हाई टेंशन व फीडर लाइनों को बाहर करने के कार्य को तेज कर दिया है। इस योजना के तहत बिजली निगम 6.5 करोड़ रुपए भी खर्च करेगा। भूमिगत व खुली बिजली की हाई टेंशन तारों को रिहायशी क्षेत्र से बाहर कर दिए जाने के बाद आम लोगों को फायदा भी मिलेगा। पावर हाउस से सभी बिजली की गुजर रही लाइनों को भी सड़क के साथ साथ किया जा रहा है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में सरकारी स्कूल में बढ़ रही दाखिलों की संख्या। आपको बता दें, नए सत्र 2020-21 के तहत सरकारी स्कूलों में दाखिले लगातार बढ़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में निजी स्कूलों से विद्यार्थी इस बार सरकारी स्कूलों में दाखिला भी ले रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई दाखिले की यानी एडमिशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में निजी स्कूलों से 43,293 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में अभी तक दाखिला यानी एडमिशन ले लिया है। जिले में निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,500 से ज़्यादा अधिक है। जी हां, इसके साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना से जंग। प्रदेश में पहली बार ट्रामा सेंटर की छत पर बनेगा हेलीपैड। करनाल मेडिकल में 50 बेड का ट्रामा सेंटर तैयार, 200 बेड का अस्पताल बनेगा। जी हां, आपको बता रहे हैं, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में अलग से 50 बेड का एक ट्रामा सेंटर और 200 बेड का अस्पताल भी बनेगा। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी 3.5 करोड़ रुपये खर्च कर इसे बनाएगा। ट्रामा सेंटर की छत पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इस पर एक साथ 2 एयर एम्बुलेंस उतर सकेंगी। जी हां, आपको बता रहे हैं, प्रदेश में ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। इमरजेंसी में मरीज को दिल्ली से जाने में करीब 3.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन एयर एम्बुलेंस से 20 से 25 मिनट लगेंगे। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना इफेक्ट। हरियाणा में 43,293 स्टूडेंट ने छोड़े प्राइवेट स्कूल, सरकारी में बड़े दाखिले। हिसार में हुए सबसे ज़्यादा 3434 एडमिशन। जी आपको बता रहे हैं, कोरोना का असर हरियाणा के शिक्षा प्रणाली में साफ दिखाई देने लगा है। राज्य में 43,293 स्टूडेंट ने कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक फीस नहीं लगती है, जबकि 9वीं से 12वीं तक कक्षा के 700 रुपये सालाना फीस भरनी पड़ती है।
वहीं विद्यार्थियों को हजारों रुपए स्कॉलरशिप की राशि भी मिलती है। इस कारण लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिलाने का मन बना चुके हैं। अब सरकारी स्कूलों में पिछले साल की अपेक्षा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है, स्कूल खुलने का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जी हां, इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें, रेवाड़ी भाजपा जिलाध्यक्ष का लंबी बीमारी के बाद निधन, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने जताया है दुख। आपको बता दें, रेवाड़ी भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल का वहीं शनिवार देर रात निधन हो गया है। उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था। इससे पहले गुड़गांव के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रविवार को सेक्टर 18 स्थित स्वर्गाश्रम में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। जी आपको बता दें, हरियाणा में आज अनलॉक 2 का 27वां दिन है। गुड़गांव में 2 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन से फरार हुए हैं। थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जी हां, आपको बता रहे हैं, हरियाणा में गुड़गांव के फरूख नगर के इलाके से 2 कोरोना संक्रमित युवक होम आइसोलेशन से फरार हो गए हैं। उनके संपर्क किया गया तो पता चला कि वे अपने गाँव चले गए हैं। इसके बाद वे अपने फरूख नगर कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र के नोडल अधिकारी ने SDM पटौदी और फरूख नगर थाने में शिकायत दे दी है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत की कृतिका से मन की बात की। कृतिका बोली, मुझे डॉक्टर बनना है सर। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहीं मन की बात कार्यक्रम में देश भर के बच्चों से बात की है। उन्होंने कहा है, अलग अलग परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित किए हैं। इसी कड़ी में PM ने सबसे पहले हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना कस्बे के महराणा गांव की कृतिका नांदल से बात की है, जिसने अभी 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसने मेडिकल स्ट्रीम में 96% नंबर अर्जित किए हैं, यानी कि पाए हैं। तो जी हाँ, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भाजपा का हरा भरा हरियाणा मिशन रक्षाबंधन पर शुरू होगा। प्रदेश में लगाए जाएंगे 5,00,000 पौधे। जी हाँ, आपको बता दें, हरियाणा सरकार प्रदेश में 20% वन क्षेत्र बढ़ाने की कवायद में जुटी है। इसी मुहिम का साथ देने के लिए भाजपा ने भी ऐसा कदम बढ़ाया है। भाजपा की ओर से प्रदेश भर में 5,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। शहर से लेकर गांवों से और बूथ स्तर तक हरा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मिशन के तहत पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाएगा। इसकी जिम्मेवारी लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी को सौंपी गई है। पवन सैनी को हरा हरियाणा हरा भरा हरियाणा का प्रदेश संयोजक नियुक्त भी किया गया है। जहां से एक साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें, फतेहाबाद जिले से आ रही खबर, कोरोना का कहर, सिविल अस्पताल में OPD पर्ची काटने वाली कर्मचारी, एक आशा वर्कर और 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले हैं इस कोरोना के। जी हां, आपको बता रहे हैं, शहर में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। आज वहीं फतेहाबाद में 16 नए मामले सामने हैं। इसमें से नागरिक अस्पताल में OPD पर्ची काटने वाली एक महिला कर्मी, तो वहीं खाराखेड़ी की एक आशा वर्कर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के पास आई नई रिपोर्ट के मुताबिक, जब हड़कंप मच गया जब नागरिक अस्पताल में OPD पर्ची काटने वाली ही हो गई कोरोना पॉजिटिव। तो जी हां, अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें, रेवाड़ी जिले से आ रही है, कोसली SHO समेत 6 पुलिस वाले पॉजिटिव मिले। 6 दिन में 2 थाने और SP कार्यालय हो चुके हैं बंद। कोरोना वायरस ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सप्ताह भर से जिले में और लगातार पुलिसकर्मी पॉजिटिव आ रहे हैं। रविवार को कोसली थाना प्रभारी सहित 6 मुलाजिमों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एहतियात बरतते हुए और आपको बता दें, थाने को अगले 24 घंटे के लिए भी बंद कर दिया गया है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे थाने को भी सैनिटाइज किया गया है। यहां बाकी स्टाफ के भी सैंपल लिए गए हैं। रेवाड़ी में कोरोना की वजह से पिछले 6 दिन के अंदर SP कार्यालय और 2 थाने भी बंद करने पड़े हैं। SP कार्यालय 29 जुलाई के बाद ही खोला जाएगा। तो जी हाँ भाइयों, आप सभी के लिए सुबह सुबह की बड़ी खबरें कैसी लगी? अगर खबरें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।